अभी हम विषय डिस्कस करेंगे भगवद गीता का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट महत्वपूर्ण है। और ये विषय ऐसा है कि इस विषय का हम सभी के जीवन से एक बहुत गहरा संबंध है। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 5 विषय मुख्य रूप से डिस्कस किए हैं, स्टार्टिंग विद जीव, यानी कि हम सब लोग, ईश्वर, प्रकृति, काल एंड कर्म। और भगवद गीता में जब भगवान ने 17 चैप्टर तक भगवद गीता को समाप्त कर दिया था, उसके बाद 18 चैप्टर जो है उसके परपोर्ट में श्रील प्रभुपाल लिख रहे हैं कि 18 चैप्टर की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवद गीता प्रैक्टिकली 17 चैप्टर में समाप्त हो चुकी थी। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। बट 18 चैप्टर में भगवान ने फिर से एक तरह से रिवीजन की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों को दोबारा से पिक किया, उनको एक अलग दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा, जिससे कि हम भगवद गीता को और अच्छे से समझ सकें, इसकी गहराइयों को जान सकें और भगवद गीता को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का हम प्रयास कर सकें। 18.14 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। सो आप मेरे साथ बोलिएगा मेरे बाद, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रथक्विदम विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्। अनुवाद, कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। सो कल मुझे किसी ने बताया, हमारे प्रोफेशन से एक संपर्सन इज देयर, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, जैसे मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो वो बेसिकली अयोध्या से रहने वाला है, अयोध्या का है ओरिजिनली वो। और वैसे तो वो लोग कभी अयोध्या जाते नहीं थे, मतलब अब क्योंकि अयोध्या की सब जगह बात हो रही है तो उनका गांव था बेसिकली अयोध्या में। अब जब गांव होता है तो गांव में ज़मीनें भी होती हैं, है ना, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, गांव में सबकी अपनी अपनी ज़मीनें होती हैं। तो ऐसे ही उसके पास अयोध्या गांव में, मतलब अयोध्या जो भी है उसमें, अयोध्या शहर में ज़मीन थी। एंड यहाँ पे वो एक जॉब करता था छोटी सी। एंड उसको, जैसे आप सब जानते होंगे कि अयोध्या हैज़ बिकम एक बहुत बड़ा अपने आप में रिलीजियस हब बन गया है जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो उसके पास जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को पहले कोई पूछता भी नहीं था, और बस कुछ ही दिनों में उसकी जो ज़मीन थी, उस ज़मीन के जो प्राइजेज हैं वो 10-15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए कम से कम, एंड कुछ एकड़ में उसकी ज़मीन है। तो अब इमिडिएटली उसने प्लानिंग शुरू कर दी वहाँ पे। अब वो उसको एक वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट टाइप बना रहा है वो, जिससे कि वहाँ पे लोग आएँ, आके लोग रहें और उसका एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो सके। सो मैं इस चीज़ के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं इसको आपको बाद में बताऊँगा। इस श्लोक में सबसे पहला वर्ड जो आया है वो है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम का मतलब हमारा शरीर, सरल शब्दों में हमारा शरीर। तो प्रैक्टिकली हम सब लोग अपने जीवन में जितना भी कार्य करते हैं शरीर के स्तर पे करते हैं, दूसरे शब्दों में जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो शरीर के थ्रू हम कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले हमारे कर्मों के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्थान दिया है वो हमारे शरीर को दिया है। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी को जो शरीर मिलता है वो अलग अलग परिवारों में मिलता है, अलग अलग शहर में हमें शरीर मिलता है,
अलग अलग देश में हमें शरीर मिलता है, एंड उस शरीर के अनुसार, उस परिवार के अनुसार, उस समाज के अनुसार हमारी अपब्रिंगिंग होती है। कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, आपको कौन से परिवार में शरीर मिला है, उसके आधार पे ये निर्धारित हो जाता है ना। सभी के जीवन में ऐसा नॉर्मल है, जो जितना अमीर होगा वो उसका अमीरी, उसका जो अमीर जो वो रिच है, उसकी रिचनेस अल्टीमेटली उसको इन ए वे अपने माता पिता से क्या मिला है, उसके माता पिता कितने रिच हैं, सबसे पहला जो उस क्रेडेंशियल है उसका वो यही है कि उसके माता पिता से उसे क्या मिल रहा है। बाद में ये बात जरूर हो सकती है कि भाई ठीक है आप अपने प्रयासों से क्या कर सकते हैं, बट उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो नींव है, वो है कि आपने किस परिवार में जन्म लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो लोग गांव में जन्म लेते हैं उनकी सोच गांव तक की होती है, वो गांव से शहर में आने का प्रयास करते हैं और शहर में आके वो अपनी सोच को भी बदलने की कोशिश करते हैं, बट वो एक अपनी सोच को एक सीमित स्तर तक ही बदल पाते हैं, एंड उस सोच के अनुसार वो अपने आप को अमीर बनने का भी वो प्रयास करते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला अधिष्ठानम, एंड अधिष्ठानम के बाद दूसरा जो फैक्टर है, अब शरीर की भी अलग अलग क्षमताएं होती हैं हर किसी व्यक्ति में, ऐसा नहीं कि हर किसी व्यक्ति के अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, हम सभी को अलग अलग शरीर मिला है, उस शरीर के अकॉर्डिंग हमको क्षमताएं भी अलग अलग मिलती हैं। कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो बचपन से ही जिनके शरीर में कुछ क्षमता नहीं होती, उनको कोई मे बी कोई डेफिशिएंसी है, तो एक शरीर जो है उस शरीर के साथ क्षमता जुड़ी होती है। तो पहला हो गया अधिष्ठानम, भगवान ने पहला जो कारण, पहला जो कारक बताया है वो बताया है शरीर। दूसरा कारक भगवान ने बताया अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्ता शब्द आया दूसरा। अब कर्ता का मतलब क्या है, कर्ता का मतलब सरल शब्दों में है हमारी आत्मा। हम सब जानते हैं कि ये शरीर जो है, ये शरीर तो केवल एक व्हीकल है, उस व्हीकल का जो अल्टीमेट ड्राइवर है, जो उस शरीर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, आत्मा, सिंपल। तो उस शरीर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आत्मा की। जब उस शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, यानी कि उस शरीर का जो चलायमान, जो उस शरीर की जो शक्ति है चलने की, वो शक्ति खत्म हो जाएगी, दूसरे शब्दों में उसके कर्म करने की जो प्रक्रिया है वो प्रैक्टिकली रुक जाएगी। उस आत्मा से जुड़ी हुई है चेतना, उस आत्मा से चेतना जुड़ी हुई है, और जितना भी हमारे माइंड में हम सोच रहे हैं, जो भी हम इच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, हम प्लानिंग करते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, इच्छाएं चलती रहती हैं, हम सब इच्छाओं का पुतला है, टाइम टू टाइम अलग अलग विचार माइंड में आते रहते हैं, तो वो जो इच्छाएं हैं, जो विचार हैं और जो प्लानिंग्स हम करते रहते हैं, वो सब अल्टीमेटली आत्मा में चेतना के लेवल पे स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि शरीर तो अल्टीमेटली नश्वर है, शरीर की तो कोई इन ए वे कोई 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 रेलेवेंस नहीं है जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो आत्मा जैसे ही शरीर में प्रवेश कर जाती है, आत्मा के शरीर में प्रवेश करने के इमीडिएट बाद शरीर में सब कुछ फंक्शनल हो जाता है, शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जब इस संसार में आता है, हो सकता है वो केवल एक यू नो जस्ट एक हॉस्पिटल में जब वो आया है, हॉस्पिटल में बेड पे वो लेटा हुआ है, कुछ ना कर पाए, वो केवल मैक्सिमम क्या कर सकता है, अपने हाथ पैर चलाता रहता है, उसको इतनी बेचैनी हो रही होती है, उसकी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चलती रहती है, उसके हाथ भी नहीं रुकते, उसके पैर भी नहीं रुकते, और एज पेरेंट्स हम कोशिश करते हैं उसके हाथ पैर को रोकने की, बट ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, वो उसका स्वभाव है कुछ करने का। तो यानी कि उसके माइंड में कुछ ऐसा प्रोग्राम फिट हो गया है
जैसे ही वो उस शरीर में आया है, उसके माइंड में वो प्रोग्राम फिट हो गया जिसके थ्रू वो बार 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 कुछ करने के बारे में सोच रहा है। वो प्रोग्राम जो वो फिट हुआ है वो बेसिकली आत्मा के थ्रू फिट हुआ है। तीसरा है कर्णम, तो अधिष्ठानम कर्ता, एंड तीसरा जो है वो है कर्णम। अब आप कहेंगे ओके प्रभु जी ये कर्णम क्या है? अब देखिए ये जो शरीर है, हम सब जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, बट हम सब कुछ करते ही हैं शरीर के थ्रू सुबह से शाम तक, क्योंकि अभी हमें आत्मा का पूर्ण रूप से अनुभव तो है नहीं। हम अपने जीवन में आत्मा के स्तर पे तो जीते नहीं हैं अभी। जब आत्मा के स्तर पे हम नहीं जीते तो दैट मीन्स शरीर जो है वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। अब शरीर को कार्य करने के लिए प्रैक्टिकली इंद्रियां चाहिए। दूसरे शब्दों में जब तक हमारी इंद्रियों में शक्ति नहीं होगी तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। शरीर की फंक्शनैलिटी बेस लेवल पे आत्मा के ऊपर निर्भर करती है, आत्मा के बाद चेतना, और चेतना के ऊपर हमारी इंद्रियां। यानी कि इंद्रियां जितनी शक्तिशाली होंगी उतना हम कार्य इस संसार में कर पाएंगे। और इस संसार में जो अलग अलग जीव हैं, एक तो मनुष्य हो गए जिनको ये मनुष्य देह मिला है, इसके अलावा जानवर भी हैं। जानवर की इंद्रियों की जो शक्ति है वो अलग अलग है, हमारी इंद्रियों की शक्ति अलग है। तो अलग अलग इंद्रियां जो हैं उन इंद्रियों के थ्रू हम इस संसार में कार्य करते हैं। वो कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे आप जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में जो डीफ होते हैं वो डम्ब भी होते हैं, ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो शुरू से वो सुन नहीं सकते। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं वो आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से इंटरडिपेंडेंट है। तो जो बेचारे सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनको शुरू से ही जो शब्दों के थ्रू जो हम सीखते हैं उसके थ्रू जो आप सीखते हो सुनकर, वो सुनने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। तो ये एक इंद्रियों की शक्ति हो गई, एबिलिटी हो गई। तो अगर हमारी इंद्रियों की या सुनने की शक्ति अच्छी, कई बार आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो सुन तो सकते हैं बट वो बहुत अच्छे से नहीं सुन सकते, उनके उनकी जो सुनने की शक्ति है वो भी सीमित है। तो इस प्रकार से अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग सबकी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के थ्रू हम कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, जिसके थ्रू हमारा फाइनली इस संसार में जो कर्म है वो फलीभूत हो रहा है। एंड देन चौथा है चेष्टा। भगवान ने जो चौथा शब्द यूज किया है, चौथा जो कर्म का कारक है उसको बताया चेष्टा। चेष्टा का मतलब हम अपने जीवन में अलग अलग, श्रील प्रभुपाद ने चेष्टा को एटीट्यूड भी डिफाइन किया है, हमारी मनोभावना क्या है, हमारे प्रयास कैसे हैं, हमारा इंडेवर क्या है। बेसिकली एक होता है ना कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उस कार्य को करने के लिए आप उसमें कितनी शक्ति कितनी जान डाल रहे हैं। यदि आप जान नहीं डालेंगे तो वो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। ऐसा लगता है, इट इज नॉट रियलिटी। इज इट ट्रू और नॉट? क्वेश्चन समझ आया आपको? नॉर्मली समाज में ऐसा माना जाता है कि जब तक हम इस संसार में किसी चीज को करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो कार्य नहीं होगा। ये सत्य है या असत्य है? अभी आप कंफ्यूज हो गए। ये सत्य एक्चुअली भौतिक संसार के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य नहीं है, अभी हम उसको बताएंगे कैसे ऐसा है। तो ये जो फोर्थ फैक्टर है प्रयास,
और जितने भी हमारे हमारे समाज में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो केवल प्रयास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप कर सकते हो, आपके अंदर शक्ति है, आप दुनिया को जीत सकते हो, आपके अंदर पूरा सामर्थ्य है। अपने अंदर की शक्ति को जानो, अपने अंदर को जानो। जब आप अपने अंदर को जान लोगे, अपने अंदर को अच्छे से झांक कर देखोगे, तो आप कुछ भी हासिल जीवन में कर लोगे। ये सत्य है? नहीं, कंफ्यूज हो गए आप? ये ऐसा बोलते हैं मोटिवेशन स्पीकर, ये सत्य है, बट इन रियलिटी ये सत्य नहीं है। तो सब कुछ केवल इस संसार में केवल प्रयासों से नहीं चलता। ये इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज में आज के समय में हम लोगों को ये टीच किया जा रहा है, ये शिक्षा दी जा रही है कि आप बस जीवन में प्रयास करो, प्रयास करोगे तो आप जो जीवन में हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक डायकॉटमी है जिसको समाज में फैलाया जा रहा है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? ये जो प्रयास में फंसे हुए लोग, उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसके परिणाम के लिए भगवान ने एक्चुअली सबसे पहले बात करी पांचवे फैक्टर की। उस पांचवे फैक्टर को कोई स्वीकार ही नहीं करता इन जनरल। पांचवा फैक्टर है देव। देव का अर्थ है परमात्मा, भगवान। तो आप कहेंगे कि ठीक है प्रभु जी, शरीर समझ आ गया, शरीर के पीछे आत्मा भी समझ आ गई, उस आत्मा के साथ साथ जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी समझ आ गई, हमें हमारा प्रयास भी समझ आ गया, ये सारी चीजें हमें समझ आ गई, भगवान कहाँ से आ गए पिक्चर में? भगवान क्या कर रहे हैं? हमें तो कहीं नहीं दिख रहे भगवान। तो इसके लिए फिर भगवान ने भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक से भगवान ने इस चीज को सबसे पहले तो प्रूफ किया। उस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं लोगों को याद भी दिलाता हूं और मैं लोगों को याद भुला भी देता हूं, एंड प्लस मैं सब चीजों को देखता भी रहता हूं और मैं हर चीज को सेंक्शन भी करता हूं। तो भगवान ने सेंक्शन करने की शक्ति जो है, जो सबसे बड़ी पावर है, सेंक्शनिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली भगवान ने अपने पास रखी हुई है। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, क्या हासिल नहीं करना चाहते, जब तक भगवान आपकी फाइल सेंशन नहीं करेंगे तब तक वो कर्म जो है वो फलीभूत नहीं हो सकता। ये पॉइंट मिसिंग है सोसाइटी से। और धीरे 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 जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस संसार में, इस कॉन्सेप्ट को ही बिल्कुल आउट किया जा रहा है। बट ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो बहुत हमारे माइंड में अलग अलग द्वंद्व चलते हैं, हम अपने आप को उन द्वंद्वों से फ्री कर सकते हैं। द्वंद्व किस रूप में चलते हैं? अरे मैंने अपनी लाइफ में इस डिसीजन को पहले ले लिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ होता, मैं ये हासिल कर लेता, वो हासिल कर लेता। आप कितना ही सोचते रहें, आप कितने ही प्रयास कर लें, देखो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप अपनी फाइल को कितना अच्छे से तैयार कर लें, है ना? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फाइल को आगे ट्रांसफर करने का सिस्टम होता है। आप अपनी फाइल को बेस्ट तरीके से तैयार करो, आप सारे पेपर्स लगा दो, सब कुछ बिल्कुल टिप टॉप, बट फिर भी जब तक साइन नहीं होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल के, तब तक वो फाइल आगे प्रैक्टिकली मूव नहीं हो सकती। तो आपके पास क्या बेस्ट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करता। परमात्मा ने क्या प्लान किया है आपके बाकी सारे चार फैक्टर्स के बेसिस पे, आपको उनकी विजिबिलिटी अभी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कि इच्छा जो होती है वो सर्वोपरि होती है। हम सभी को अपने जीवन में हमेशा परमात्मा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। ये एक भक्त का दृष्टिकोण होता है। भक्त हमेशा अपने जीवन में भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं
वो भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मान के अपने जीवन में कर्म करता है। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मान के कर्म करेगा उसका परिणाम क्या होगा? आपको आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि हमें भगवान की इच्छा को मानना है, फिर होगा क्या? यस एनीवन, पॉजिटिव तो होगा, बट क्या होगा? व्हाट इज दैट पॉजिटिव? गलत रास्ते, ओके फाइन। यस प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं? भगवान के प्रिय बनेंगे, ठीक है, संतुष्टि मिलेगी, और क्या हो सकता है? हाँ तो होगा क्या? क्वेश्चन इज कि होगा क्या, उसका आउटकम क्या होगा? आपने अपने जीवन में भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मान के सब चीजों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अगर आपके जीवन में अच्छा हो रहा है तो आपने उसको भी भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी आपने भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और आप आगे बढ़ गए, तो उसका परिणाम क्या होगा? नहीं नहीं ये सब लॉजिकल बात करिए, क्या होगा? प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ना नीचे सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, प्रभुपाद ये पॉइंट लिख रहे हैं कि जो अपने जीवन में हर चीज को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं वो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग अपने जीवन में सुबह से शाम तक कर्म कर क्या रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं ओके, हमने हरे कृष्णा आंदोलन में आ गए हैं, हमने भक्ति का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, इट्स ऑल फाइन। अल्टीमेटली आपसे क्या अपेक्षा की जाती है? क्या अपेक्षा की जाती है आपसे? ठीक है भक्ति कर रहे हो, वेरी गुड, बट कर्म भी तो कर रहे हो, और कर्म को जब तक काटोगे नहीं तब तक काम नहीं चले। कर्म को काटना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और भगवान गीता के इस श्लोक के थ्रू कर्म को काटने की, कर्मों के बंधनों से अपने आप को मुक्त करने का विज्ञान बता रहे हैं। भगवान की शरण होगी, ये सब चीजें हो जाएंगी लॉजिकली, द बेस्ट थिंग, हम भगवान के प्रिय भी बन जाएंगे, हमें संतुष्टि भी हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कर्मों की जो साइकिल है, जो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में प्रोग्रामड है, ये सब ना एक्चुअली ऑटोमेटिक चल रहा है। देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम प्योर कर्मों की बात कर रहे हैं, हम अभी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो चार फैक्टर्स हैं ये प्रैक्टिकली ऑलरेडी हम सबकी लाइफ में मोर और लेस प्लान्ड हैं। दूसरे शब्दों में आपने अपने जीवन में प्रयास कितना करना है, कितना नहीं करना, उसकी शक्ति भी आपको कौन देगा? परमात्मा देंगे, भगवान देंगे उसकी शक्ति। हमारे अंदर प्रयास करने की व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, प्रयास करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। इस प्रकार से एक भक्त जो होता है वो अपने जीवन में कर्मों से अधिक प्रभावित नहीं होता, उसका फोकस किसके ऊपर होता है? हमेशा भक्ति के ऊपर होता है। और जो समाज में जो साधारण लोग हैं वो इस जो पांचवा फैक्टर है देव, उसको हटा के चलते हैं। एक भक्त जो है वो हमेशा उस पांचवे फैक्टर को ध्यान में रखता है, परमात्मा, परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हैं, मेरी सारी क्रियाओं को देख रहे हैं। तभी तो भगवान, एक्चुअली आपको ये पॉइंट समझना होगा कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और भगवान हमारी क्रियाओं को विटनेस कर रहे हैं। क्योंकि अगले ही श्लोक में 18.15 में भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म होता है, कर्म भी तीन स्तर पे होता है, यानी कि तीन प्रकार से हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, मनसा, कर्मणा एंड वाचा। दूसरे शब्दों में आप मन से क्या सोच रहे हैं वो भी आपके जीवन में आपका कर्म बन रहा है, और उस कर्म को इमिडिएटली भगवान ने क्या किया, भगवान ने रिकॉर्ड कर लिया।
और जब हम उस मतलब जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा अलग होती है, तो जितना भी वो लेखा जोखा है हमारे कर्मों का, वो परमात्मा ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? हमारी चेतना में। वो जो हमारी चेतना है, हमारी चेतना को अगला शरीर जो प्रोग्राम भगवान ने ट्रांसमिट किया है, हमारी चेतना को अगला शरीर उसके आधार पे मिलता है। वो प्रोग्रामिंग जैसे ही वो दूसरे शरीर में पहुंच जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो शरीर फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। उसके अकॉर्डिंग ये निर्धारित हो जाता है कि आपको ये वाला शरीर मिलेगा। समझ गए? तो ये बहुत बहुत गंभीर विषय है, बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। इस प्रकार से भगवान ने गीता में बहुत सरलता से बताया है कि आप सब हम अल्टीमेटली हम सब लोग पुतले हैं, पुतले। जहाँ तक इस संसार के कर्मों की बात आती है, अभी हम केवल कर्मों की बात कर रहे हैं, अभी हमने भक्ति के एलिमेंट को ऐड नहीं किया, अभी भक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो अब आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, जब सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, सब कुछ ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है भाई? हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। इच्छा भगवान नहीं डाल रहे, इच्छा हमारे माइंड में ऑलरेडी इनबिल्ट है। और भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस में हमारी इच्छाएं जो हैं वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। और जितना हमारी इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं, उतना हमारे ऊपर से जो कर्मों का प्रकोप है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उसको भी भगवान धीरे धीरे हमारी जीवन से साइड करना शुरू कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक हम अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास नहीं करते, तब तक प्रैक्टिकली हम बिल्कुल 100% बंधे हैं। किसके वश में? किसके वश में? अपने कर्मों के वश में। जब तक हम भक्ति नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में केवल अपने कर्मों के वश में आकर कार्य करते हैं। चाहे हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास भी इनडायरेक्टली भगवान उस प्रयास को हमें करने की शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का उस तरीके से ही हिसाब किताब ऑलरेडी निर्धारित है। बट जैसे ही एक जीव भगवान की तरफ अपना मुंह मोड़ लेता है, यानी कि भगवान की शरण को अपने जीवन में स्वीकार करता है, भक्ति का अभ्यास करना शुरू करता है, तो धीरे 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 भगवान हमें इन्हें वे स्वतंत्रता भी देना शुरू करते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि अब ये जीव जो है, अब ये क्या है, ये सही मार्ग पर है। अब इस जीव को समझ आ रहा है कि अल्टीमेटली एक जीव की अपनी व्यक्तिगत इच्छा की कोई ज्यादा मूल्यता नहीं है। उसको इस चीज का पूर्ण रूप से कन्विक्शन होने लगा है कि भगवान की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है, और वो अपने जीवन में हर कार्य इसी उद्देश्य से करता है। कृष्ण अखिल चेष्टा, किस प्रकार से कृष्ण की चेष्टा को हम एक तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, ये एक भक्त का दृष्टिकोण होता है। और फिर भगवान उसके जीवन में, हो सकता है कि वो जो चेष्टा का एक जो एलिमेंट है, देखिए शरीर जो मिल गया वो तो मिल गया मोर ऑर लेस, शरीर में परिवर्तन होना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना मुश्किल है। हमारे को जो आत्मा हमारे इस शरीर में मिल गई है वो भी फिक्स हो गई है, हमारी इंद्रियां भी मोर ऑर लेस फिक्स हैं। तो शरीर फिक्स है, इंद्रियां हमारी फिक्स हैं, हमारी आत्मा फिक्स है, केवल थोड़ी सी मैनिपुलेशन कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है? थिंक अबाउट दोस फोर पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या था? कर्म तो पांचों का समप है,
चेष्टा, हमारे एंडेवर्स, हमारे प्रयास, भगवान हमारे प्रयासों को सही दिशा में लगाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और जब भगवान हमारे प्रयासों को सही दिशा में लगाने में हमारी हेल्प करेंगे तो नेचुरली जिन कर्मों से हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं वही कर्म हमें दुखी करना बंद कर देंगे। समझ आया आपको? ये एक बहुत बड़ा अपने आप में विज्ञान है कर्मों का, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसा देखा जाता है समाज में, हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने कर्मों को हम कोसते रहते हैं। हाय मैंने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो किसी का गलत नहीं किया। अगर आपने ये श्लोक समझ लिया तो आप कभी भी अपने जीवन में जो उल्टे पुल्टे कर्म आपके आसपास होते रहते हैं आप उससे इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होते। एक्सटर्नली हो सकता है आप डिस्टर्ब हो, एक्सटर्नली तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं ना हम लोग, मेन चीज है कि इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होना। इसीलिए तो भक्त क्या है, कृष्ण भक्त जो होते हैं वो हमेशा इंटरनली शांत होते हैं, आसपास के ड्रामे से उनको प्रैक्टिकली कुछ लेना देना नहीं होता। आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर वो बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट, बट आंतरिक स्तर पर वो उसमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली संसार में सब कुछ कृष्ण की इच्छा के ऊपर आधारित है। ये है समर्पण की सही डेफिनेशन। इसलिए कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम क्या करें, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, पहली चीज ये स्टेटमेंट सत्य है। दूसरी चीज ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तीसरी चीज, इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए हमारे को अधिकार चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास ये अधिकार है या नहीं। अब आप कहेंगे प्रभु जी कौन सा अधिकार चाहिए, कौन सा अधिकार चाहिए, कोई बताएगा कौन सा अधिकार चाहिए यहां पे? ये स्टेटमेंट सुनते आ रहे हैं ना बचपन से, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, पर क्या हम इसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं? ये एक्चुअली एक महाभागवत, बिल्कुल जो शुद्ध भक्त है भगवान का, जो हर चीज के पीछे भगवान की इच्छा को देख रहा है, जिसका पूरा जीवन भगवान की इच्छा के ऊपर निर्धारित है, उसको इस स्टेटमेंट को बोलने का अधिकार है। नहीं तो इस संसार में बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट उस बोलने में कोई मूल्यता नहीं है। तो हमारे पास अभी ये अधिकार नहीं है कि हम इस स्टेटमेंट को बोलें कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये सत्य है। बट हम अभी उस स्तर पे नहीं हैं कि हम इस स्टेटमेंट को अपने जीवन में मतलब इस स्टेटमेंट को हम पूर्ण अधिकार से बोल सकें, क्योंकि हम योग्य नहीं है ना। अभी हम उस स्तर पे ना तो जीते हैं और ना हमें उस स्तर का अभी अनुभव है। यस, जैसे जैसे हम भक्ति में स्ट्रांग होते रहेंगे धीरे 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 हम भगवान की मर्जी को हर चीज में देखना शुरू कर देंगे। ये है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ अल्टीमेटली यही है। सो कर्म का स्थान यानी कि ये शरीर, कर्ता यानी कि हमारी शरीर में जो आत्मा है, विभिन्न इंद्रियां कर्णम, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। ये तीन श्लोक इंटरकनेक्टेड है बेसिकली। इसके बाद बोल रहे हैं भगवान, मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है।
अतएव जो इन पांचों कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे उड़ा देता है पिक्चर से, पहली चीज वो बुद्धिमान नहीं है, वो इस संसार का सबसे बड़ा बेवकूफ है, और दूसरी चीज उसको चीजों को सही रूप से देखने की जो दृष्टि होती है उसके पास वो दृष्टि भी नहीं होती, वो अंधा होता है, क्योंकि उसने भगवान को पिक्चर से उड़ा दिया है। वो केवल इन चार जो कर्म के जो कारक हैं, चार कारक, केवल वो उन चार कारकों के ऊपर आधारित होता है, उसका जीवन पूरा उन चार कारकों के ऊपर आधारित है। वो इसीलिए सुबह से शाम तक प्रयास की बात करता है, प्रयासों से सब कुछ संभव है। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, कि ऐसे ऐसे किसी के पास लैंड थी, याद है आपको, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, तो जहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई किसी के पास लैंड थी और अयोध्या में थी, तो वो बहुत, ही हैज बिकम ए वेरी बिग मैन नाउ। पहले उसकी लैंड को कोई पूछता नहीं था। तो अल्टीमेटली ना ये सब भाग्य का खेल है, ये जो चार फैक्टर्स है ना, इन चार फैक्टर्स के बेसिस पे भगवान उस पर्सन की फाइल को सेंक्शन कर देते हैं, किसको कितना मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, कहाँ मिलना है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है। इस संसार में जहाँ तक आप अपने पैसे कमाने की बात करना चाहते हैं, सब कुछ प्रोग्राम्ड है। एटलीस्ट एज डिवोटीज हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए। तो याद रखिए, जीवन में क्या मिलना है, भौतिक स्तर की बात हो रही है, याद रखिए जीवन में क्या मिलना है, कब मिलना है, कितना मिलना है, कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, ये सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। आप उसमें कितने ही कैलकुलेशंस लगा लीजिए अपने, उन कैलकुलेशन से कुछ नहीं होगा। बाय चांस आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल भी गया, फर्दर लास्ट पॉइंट, बाय चांस आपको जीवन में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मिल गया आपके प्रयासों से, हर चीज को निर्धारित किया जाता है उस पर्टिकुलर वस्तु के सुख या दुख से। तो अगर आपको जीवन में कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, आपको अगर ठीक है मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, मैंने प्रयास किया है, मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, फिर भगवान आगे क्या बात बताते हैं कि ठीक है आपको मिल गया, अभी अब आप उसका उसकी जो तुलना है उसके सुख या दुख से करेंगे। तो पहले अगर आपने जो प्रयास किया उसमें, सॉरी, जब आपने प्रयास नहीं किया, आपको लेट से 10 रुपये मिलने थे, आपने प्रयास किया तो 20 रुपये मिल गए, आप ऐसा सोच सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे जो 10 रुपये मुझे मिले थे, 10 रुपये से आप अल्टीमेटली सुख ढूंढोगे ना इस संसार में, तो 10 रुपये के इक्विलेंट सुख मिल जाएगा आपको। अब आपको जो 20 रुपये मिले हैं आपके प्रयासों से, अल्टीमेटली सुख आपको, अगर आप थोड़ा सा अकाउंटिंग जानते हो तो उसमें नेट ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, नॉक ऑफ करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपका सुख और दुख का जब फाइनल समीकरण तैयार होगा तो वो फाइनली 10 रुपये के इक्विलेंट आ जाएगा। समझ आ गया आपको? ये क्लियर है विज्ञान, बहुत बेसिक साइंस है। तो आपको हो सकता है 20 रुपये मिल जाए आपके प्रयासों की वजह से, जो आपको ओरिजिनली 10 मिलने थे, पर आपको सुख 10 रुपये के समान ही मिलेगा, 20 रुपये के समान सुख नहीं मिलेगा। तो जो तुलनात्मक फैक्टर है वो अल्टीमेटली सुख या दुख है। हरे कृष्णा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बट यस, द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर इट गेट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल जस्ट हैव की। तो ये श्लोक भगवद गीता का अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़ते रहिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको कर्मों का जो लेखा जोखा है हमारे जीवन का उसकी क्लैरिटी होती रहेगी।